देखिए फर्स्ट एग्जांपल का इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन का स्टार्ट करते हैं। देखो दिस साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 7, 9 और 12। कौन सा रेशियो दिया है? 7, 9 और 12। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड्स इज 15 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड्स विल बी अपने को पूछा, मीन्स जो सबसे बड़ी लेंथ है अपने को निकालना है। ठीक है, देखो सबसे पहले रेशियो लिख लेंगे, क्या है 7, 9 और 12। ठीक है, ये रेशियो अपने को दिया है। ठीक है, आंसर निकालने के लिए इसका एक्स लगा लेंगे। ठीक है, ये समझ गया। इसके बाद देखिए गाइस, डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड्स उसकी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। मीन्स ये स्मॉलेस्ट और ये लार्जेस्ट है। ठीक है, 12 सबसे बड़ी और 7 सबसे छोटी। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इस अपन माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि अपने को डिफरेंस डायरेक्ट क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, डिफरेंस लिखा है इसलिए अपन इसको माइनस करेंगे। कितना हो जाएगा, 12 में से 7 जाएगा तो 5। ठीक है, 5x बचेगा। और जो है 5x है गाइस, वो किसके बराबर है? 15 सेंटीमीटर। ये भी लिखा है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया, या तो समझिए गाइस। इसके बाद देखो इसको सॉल्व करेंगे, 5:15 है, मीन्स 1:1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, 1:1 इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, ये समझ गया। इसके बाद देखो द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड अपने को पूछा है, लार्जेस्ट साइड कौन सी है? 12। डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा, देखो लार्जेस्ट साइड देखो कितनी है, 12, और अपने 1:3 कितना है, 3। मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, 36। सिंपल क्वेश्चन था गाइस। ठीक है, देखो ए इज द फाइनल आंसर, नोट डाउन कर लो। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड मदर। ठीक है, उनका रेशियो दिया अपने को 3 और 2। ठीक है, एंड दैट ऑफ मदर एंड सन, उनका रेशियो दिया अपने को 3 और 2। इफ प्रेजेंट एज ऑफ द सन इज 20 ईयर, देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, अपने को पूछा है, मीन्स फादर की एज अपने को ढूंढना है। सिंपल क्वेश्चन है गाइस, कुछ भी नहीं है। देखो कौन कौन दिया क्वेश्चन में, सबसे पहले देखो फादर, मदर और सन है। ठीक है, ये फादर हो गया आपका, ये मदर और ये हो गया आपका सन। ठीक है, जैसे अपन एबीसी का वो रेशो सॉल्व करते थे सेम है, वैसे सॉल्व करना। ठीक है, फादर एंड मदर का रेशो दिया है 3 और 2, फादर और मदर। ठीक है, उसके बाद देखो मदर एंड सन का रेशो दिया है 3 और 2, मदर एंड सन का रेशो दिया है 3 और 2। ठीक है, सेम गाइस मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, इसके बाजू वाला यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाजू वाला यहाँ पे आ जाएगा, 3, 3, 2, 2। ठीक है, ये समझ गया। इसके बाद देखो ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, यहां तक सॉल्व हो गया। इसके बाद देखो इफ प्रेजेंट एज ऑफ द सन इज 20 ईयर, मीन्स सन की एज कितनी है, 4। 4:1 कितना होता है गाइस, फिर 20। ठीक है, 4:20 है, मीन्स 1:1 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया अपना। उसके बाद देखो देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, अपने को ढूंढना है। ठीक है, फादर की कितनी है गाइस, 9 है। ठीक है, तो 9 से क्या करना है, कुछ नहीं अपने को करना है, 9 से क्या करना है, 5 से मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, 45। ठीक है, समझ गया गाइस, 45 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लो। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल गाइस क्या दिया, देखो द रेशियो बिटवीन प्रिंसिपल टू अमाउंट इज 4:5, मीन्स प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या दिया गाइस, 4:5। ठीक है, देखो प्रिंसिपल और अमाउंट इसका रेशियो कितना दिया है, 4 और यहाँ पे 5। ठीक है, यही दिया है। इसके बाद देखो फॉर सर्टन टाइम एंड ऑन सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यहां तक समझ गया। इसके बाद देखो आफ्टर 3 ईयर दैट रेशियो हो जाता है 5:7। ठीक है, 3 ईयर के बाद वो हो रहा है 5:7। ठीक है, यह समझ गया। इसके बाद देखो अपने निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को निकालना है गाइस, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहली बात ये जो अपना प्रिंसिपल है सेम रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए क्या कर सकते दोस्तों अपने यहाँ पे, देखो इसको 5 से करेंगे मल्टीप्लीकेशन, 20 हो जाएगा। इसको 4 से करेंगे तो ये भी 20 हो जाएगा, मीन्स दोनों इक्वल हो जाएंगे 20। ठीक है, 20-20 आ जाएंगे दोनों। ठीक है, ये समझ गया। तो इसको करेगा इस, तो इसको भी करना पड़ेगा 5 से, इसको करना पड़ेगा 4 से। ठीक है, याद तक समझ गया गाइस। देखो इसके बाद ये आपका हो गया कितना, 20-20 सेम हो गया, ये भी 20 आ रहा है, ये भी 20 आ रहा है, और ये 25
और ये आपका आ रहा है 28। यहाँ तक समझ गया, मीन्स आपका जो प्रिंसिपल वो सेम आ गया, ठीक है, यहाँ तक अपने कंडीशन सॉल्व हो गई। इसके बाद जो अमाउंट है गाइस अपना, वो कितने रुपीस बचा है फिर अभी? 3 रुपीस, ठीक है, 28 में से 25 गया, 3 रुपीस बचा है। मीन्स जो 3 रुपीस है वो कितने रेशो के बराबर रहेगा? मीन्स 3 ईयर के बराबर रहेगा। आफ्टर 3 ईयर बोला था अपने रेशो लिखे, रेशो सोल्व किए, 3 ईयर मीन्स जो अपना 3 ईयर है वो किसके बराबर रहेगा गाइस? 3 रुपीस के बराबर, ठीक है। मीन्स 1 रेशो इज इक्वल टू अपना हो जाएगा 1, ठीक है, 1 रुपीस हो जाएगा 1 ईयर के हिसाब से अगर करेंगे तो। यहां तक समझ गया गाइस। इसके बाद देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, अपने को इंटरेस्ट का फॉर्मूला है पता है, ठीक है, कितने रुपीस है 1, ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाएगा गाइस? ये वाला प्रिंसिपल, ठीक है, दोनों का प्रिंसिपल सेम है तो कौन सा भी ले सकते हैं, ठीक है, नीचे 20 × 100, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, एक कट जाएगा 5 बार डायरेक्टली 1 × 5, अपना आंसर निकल गया 5, ठीक है। जो अपना इंटरेस्ट है गाइस वो कितना निकल जाएगा? 5%, ठीक है, नोट डाउन कर लो, बी इज द फाइनल आंसर। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5 और 4। जो प्रेजेंट एज है गाइस किसकी? ए और बी की, कितनी है? 5:4, ठीक है। आफ्टर 10 ईयर्स द रेशियो बिकम 7 और 6 हो जाता है, फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ ए, अपने को ढूंढना है, ठीक है, नोट डाउन कर लो। देखो सिंपल क्वेश्चन है, ए एंड बी दिया अपने को, ठीक है, ए एंड बी दिया है, उसका रेशियो कितना है? 5 और 4, 5:4 उनका रेशियो है, ठीक है। उससे देखो आफ्टर 10 ईयर द रेशियो बिकम 7 और 6 हो जाता है, ठीक है, कितना हो रहा है? 7 और 6, ये समझ गया गाइस। फिर देखिए इन रेशियो का अगर अपने डिफरेंस निकाले तो कितने का आ रहा है? देखो इसमें 2 का डिफरेंस आ रहा, और इसका डिफरेंस देखेंगे तो इसका भी 2 आ रहा, ठीक है, दोनों का 2 आ रहा, अपने को ए का निकालना है, ए में कितना डिफरेंस है? 2 का, मीन्स 2 रेशो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस? 10, ठीक है, 10 ईयर हो रहा है, मीन्स 2:10 है तो 1:1 कितना हो जाएगा? 5 ईयर, ठीक है, ये समझ गया। इसका देखो अपने क्या निकालना है, फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ ए की वैल्यू, ए का ए निकालना है, ठीक है, सिंपल है गाइस। देखो ए इज इक्वल टू इसकी एज कितनी है? 5, ठीक है, और 1 रेशो इज इक्वल टू कितना है? 5, तो इसको क्या करेंगे अपन? मल्टीप्लीकेशन, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, 25 इज द फाइनल आंसर, ठीक है, नोट डाउन कर लो। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल गाइस, देखो द इनकम ऑफ राज एंड राहुल आर इन द रेशियो ऑफ 5 और 6। राज और राहुल का अपने को रेशियो दिया गाइस, कौन सा दिया है? 5 और 6 का, ठीक है। देखो ये हो गया आपका राज और ये हो गया आपका राहुल, ठीक है, इसका रेशियो है गाइस 5 और इसका रेशियो है 6, ठीक है, यहां तक समझ गया। उसके बाद देखो एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 7 और 9। जो एक्सपेंडिचर है इसका रेशियो कौन सा है गाइस? देखो इसका रेशियो अपने पास 7 और 9, ठीक है, ये समझ गया। इसके बाद देखो इफ दे सेव, मीन्स गाइस राज और राहुल क्या कर रहे हैं? सेविंग कर रहे हैं, कितनी? 4,000 रुपीस। रेशियो कितना है? 3,000 रुपीस, ठीक है, कितनी सेविंग कर रहे हैं दोनों, ठीक है, यहां तक समझ गया। इसके बाद देखिए गाइस अपने को ये चाहिए, ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 9 × 5 कितना हो जाएगा अपने पास? 45 हो जाएगा, ठीक है, अपने को आंसर निकालना है, इसको x मान लेते, ठीक है, देखो उसका देखिए गाइस इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा? -42x, ठीक है, -42 आया। इसके बाद देखो इसको अपने को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे गाइस? देखो इसको इससे मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक है, देखो कितना हो रहा है? 21,000, ठीक है, 21,000 हो गया, और ये कितना हो रहा है? 36,000 हो रहा है, ठीक है, ठीक है, इतना मिल गया गाइस। इसमें माइनस होती, इसमें भी माइनस लगा देंगे, ठीक है, तो देखो ऊपर बड़ी वैल्यू लिख लेते हैं 36 और नीचे 21, कैसे किए? 9 × 4 = 36 और 7 × 3 = 21, ठीक है, 0, 0, 0, और ये कितना बचा गाइस? 10 + 15, ठीक है, 15,000 बचा है,
इसको सॉल्व कर देंगे कितना आ रहा है 3x इज इक्वल टू 15,000। ठीक है, इसको तीन से काटेंगे, इसको तो कितने बार कटेगा, ठीक है इतने बार कट रहा है, इधर करके बता दो, देखो जीरो जीरो मीन्स 5,000 बचेगा। ठीक है, ये समझ गया गाइस, मीन्स जो x की वैल्यू है वो कितने आगे 5,000। ठीक है, 5,000 रुपीज है। उसके बाद देखो अपने को इनकम निकालना है टोटल, कैसे निकालेंगे, ये राज की वैल्यू और ये राहुल का रेशो, ठीक है दोनों का रेशो अपने को इसको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। देखो राज इज इक्वल टू कितना है 5 इंटू ये 5,000, ठीक है उसके बाद राहुल है उसका कितना है 6 इंटू 5,000। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा गाइस, देखो 25,000 और इसको सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है 30,000 और ये आपका फाइनल आंसर है। देखो 25,000 और 30,000, ठीक है ए इज द फाइनल आंसर, नोट डाउन कर लो। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, द इनकम ऑफ राम एंड श्याम आर इन द रेशो, राम और श्याम का रेशो कितना है गाइस, ये राम है आपका और ये श्याम है, ठीक है ये दोनों का रेशो देखा कितना है 4 और 3 है। ठीक है, एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशो, इसका रेशो है एक्सपेंडिचर का कितना है गाइस, देखो 3 और 2 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, ठीक है ये दिया है। अगर इसका डिफरेंस दिखे गाइस तो डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 1 का इधर और इधर भी 1 का डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, इसका देखो इफ यू सेव रुपीज 2500 मीन्स दोनों क्या कर रहे हैं गाइस, 2500 रुपीज सेविंग कर रहे हैं, व्हाट आर देयर इनकम अपने पूछा गया है। ठीक है, 1 आ रहा है गाइस, दोनों का अगर डिफरेंस नहीं कर रहे तो 1 आ रहा है, मीन्स 1 रेशियो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना 25,000 मीन्स सॉरी 2500 ये आ रहा है। ठीक है, ये आ गया मीन्स अपने को आंसर इनकम निकालना है, तो क्या करेंगे ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू क्या करना पड़ेगा अपने को, देखो 4 इंटू जो अपना 1:25 आया था 25,000, ठीक है उसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे कितना आ जाएंगे देखो, ठीक है कितना आ गया गाइस 10,000। ठीक है, सेम जो श्याम है, ठीक है श्याम है उसका कितना है 3 × 2500 करेंगे ये आपका आ जाएगा 75,000। ठीक है, और ये आपका फाइनल आंसर है ए। ठीक है, नोट डाउन कर लो गाइस। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल गाइस क्या दिया, देखो फाइंड इनवर्स रेशियो ऑफ 2 और 3 दिया। ठीक है, जो इनवर्स रेशियो है गाइस वो कितना दिया आपने को 2 और 3। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, 2 और 3 अपने को रेशियो दिया है, इसको अपन इनवर्स रेशियो अगर करेंगे तो कितना बन जाएगा 1/2 अरे 1/3 हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग को आंसर निकालना है, आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, देखो दोनों का क्या लेते हैं ऐसी वैल्यू अपने को ढूंढना है कि दोनों का भाग जाना चाहिए। ठीक है, ऐसी वैल्यू है 6, 5 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि किसी का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, 6 ले लिए, इसके बाद देखिए गाइस अपने को रेशियो के हिसाब से निकालना है, तो कैसे करेंगे, इसको 6 से इसको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इसको 6 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, दोनों का भाग 6 में आता है, अपन ने 6 लेंगे। ठीक है, फिर देखिए गाइस 2 से कट जाएगा 3 बार और 3 से कट जाएगा 2 बार, मीन जो अपना आंसर वो डायरेक्टली निकल गया 3:2 और ये अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, देखो सी इज दी फाइनल आंसर। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल गाइस क्या दिया, देखो फाइंड इनवर्स रेशियो ऑफ 2, 3, 4 अपने क्या दिया है, रेशो दिया है। ठीक है, 2 दिया है, 3 दिया है और क्या दिया है 4। ठीक है, ये रेशो अपने को दिया है, इसको इनवर्स फॉर्म में लिखेंगे, देखो मीन्स 1/2 ये हो जाएगा और ये आपका 1/3 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 1/3/4। याद है, समझिए गाइस, फिर क्या करना है अपने को, ये तीनों का अपन क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, कौन सा निकलेंगे एलसीएम 12, क्यों, क्योंकि सबका भाग 12 में जा रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करेंगे अपन, सब इसमें 12 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, मीन्स डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, सब इसमें 12 दे दिए, इसके बाद देखिए गाइस ये 6 बार कट जाएगा 2 से, ये कितने बार कटेगा 4 बार और ये कट जाएगा 3 बार। ठीक है, और देखो अपने पास क्या निकला है अभी नया रेशो 6, 4 और 3 और ये क्या आपका फाइनल आंसर, देखो 6, 4, 3। ठीक है, सी इज द फाइनल आंसर, नोट डाउन कर लो गाइस। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल,
the number to be added to each of the number 7, 16, 43, 79 to make the number is in proportion. Means इसमें क्या करना है guys? ये अपने को चार नंबर दिए है, वो ऐसे इसमें ढूंढना है कि अपने जो दो साइड है वो बैलेंस रहने चाहिए. मीन्स समझ लीजिए गाइस, इधर 5 डिवाइड बाय 4 है तो इधर भी अपना 5 डिवाइड बाय 4 आना चाहिए. ठीक है, इसको अपने को सेम करना है, मीन्स प्रोपोर्शन अपने को सेम करना है. ठीक है, ऐसी वैल्यू अपने को कहां से ढूंढना है? चार ऑप्शन में से. ठीक है, ये 2 रखेंगे तो सेम आएगा क्या, 3 रखेंगे सेम आएगा, 5 रखेंगे तो सेम आएगा क्या, 1 रखेंगे तो सेम आएगा, ये अपने को ढूंढना है. ठीक है, कैसे ढूंढेंगे देखो. सबसे पहले क्या करेंगे गाइस, ये जो अपने को दिया है इसको रेशो फॉर्म में लिख लेंगे. ठीक है, इस फॉर्म में लिख लिए. इसके बाद देखिए गाइस, अपने को आंसर निकालना है, सेम करना है. ठीक है, सेम करने के लिए इसमें से एक वैल्यू ढूंढना पड़ेगा अपने को. ठीक है, उसके लिए एक्स ले लेते हैं. ठीक है, एक्स ले लिए. अभी क्या करना है गाइस, जो एक्स है एक्स के जगह पे चार में से एक नंबर रखना है, मीन्स अपना दोनों सेम आना चाहिए. ठीक है, देखो सबसे पहले बड़ी वाली वैल्यू देखते हैं. ठीक है, बड़े से छोटा करते हैं. ठीक है, देखो 7 प्लस 5 लिख देते हैं, 16 प्लस 5, 5 कहां से आया गाइस, ऑप्शन में से अपने को ढूंढना है सेम लाने के लिए. ठीक है, इसलिए मैंने सबसे बड़ी वैल्यू ले ली. ठीक है, देखो इज इक्वल टू 43 प्लस 5 डिवाइड बाय 79 प्लस 5. यहां तक समझ गया? इसके बाद देखो 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 12, ये आपका 21. ठीक है, इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 48 और ये आपका हो जाएगा 84. ये समझ गया? इसके बाद देखिए गाइस, इसको अगर 3 से काटे अपन ने तो कितने बार कटेगा, 4 बार कट जाएगा. ठीक है, इसको 3 से काटेंगे कितने बार कटेगा, 7 बार कट रहा है. ठीक है, सेम इसको भी वैसे ही काटना पड़ेगा. ये देखो बड़ी वैल्यू है तो बड़ी वैल्यू से अपने काटना पड़ेगा. ये कट रहा है समझ लीजिए, 4 बार 12 से कट रहा है और ये कट रहा है 7 बार कट रहा है 12 से. ठीक है, ये 3 से काटे ये 7 से काटे. देखिए गाइस अपना जो इक्वेशन है वो सेम आ गया है, 7 डिवाइड 4 डिवाइड बाय 7 और इधर बचा है 4 डिवाइड बाय 7. ठीक है, अपने क्या किया था गाइस, जो 5 वैल्यू है ये 5 वैल्यू x की जगह पे रखे तो अपना सेम अनुपात आ रहा है, मीन सेम प्रोपोर्शन अपना आ रहा है. मीन्स इसीलिए क्या होगा अपना c इज द फाइनल आंसर. ठीक है, 5 अपना फाइनल आंसर है, नोट डाउन कर लो. देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए कार कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंस इफ 3 डिफरेंट स्पीड विच आर इन द रेशियो 2, 3, 5. ठीक है, एंड फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय इट इज कवर द एज. मीन्स सबका अपने क्या ढूंढना है गाइस, अपने को रेशो ढूंढना है. ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे. सबसे पहले रेशो लिख लेते हैं 2, 3 और क्या है 5. ठीक है, 2, 3 और 5 है. मैंने आपको बताया था गाइस ऐसा क्वेश्चन रहा था, क्या करना है देखो, 1 डिवाइड बाय 2 ये हो जाएगा. ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं आपको सेम ही है, ये आपका हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 3. ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 5. ये समझ गया? इसके बाद देखिए गाइस तीनों का अपन एलसीएम निकाल लेंगे. देखो कितना आ रहा है एलसीएम, 30 आ रहा है. ठीक है, 30 क्यों आया, क्योंकि सबका भाग इसमें जा रहा है. ठीक है, देखो फिर क्या करेंगे गाइस, इसको 30 दे देंगे, इसको 30 दे देंगे और इसको 30 दे देंगे. ठीक है, इसके बाद देखो इसको 2 से इसको काटेंगे तो 15 बार कट देंगे, इसको 3 से काटेंगे 10 बार और इसको काटेंगे 6 बार. ठीक है, और ये आपका क्या फाइनल आंसर, कौन सा रेशो बना है देखो, 15, 10 और ये आखिरी का है 6. ठीक है, और ये आपका फाइनल आंसर है. कुछ नहीं किया गाइस, रेशो दिया था उसको अपने इस फॉर्म में लिख लिए, तीनों का एलसीएम निकाल लिए, 30-30 सब में बांट दिए तो अपना आंसर निकल गया 15, 10 और 6. ठीक है, डी इज द फाइनल आंसर, नोट डाउन कर लो.